Hello student, welcome to online classes of SVPS and today I will teach you the science of topic heat and temperature. So look here. Heat. Heat is the form of energy which produces the sensation of hotness. Heat kya hai? हमारी energy का ही एक form है जो hotness का sensation produce करती है. And when a hot object is kept with a cold object, energy flows from the hotter object to the colder object. एंड दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी. जब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास में रखते हैं, तो जो एनर्जी होती है हमारी वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है एंड दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी. दी कॉमनली यूज यूनिट्स टू मेजर हीट एनर्जी आर कैलोरी एंड जूल. जो कॉमनली यूज यूनिट्स होती है, जो कॉमनली हम लोग यूनिट्स को यूज करते हैं हीट को मेजर करने के लिए, वो क्या होती है हमारी, कैलोरी एंड जूल. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, 1000 कैलोरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CAL. कैलोरी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CAL. एंड सिमिलरली 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल. और जो 1000 जूल होते हैं उसमें कितने होते हैं, 1 किलो जूल होते हैं. एंड द ऑल्सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं. 1 कैलोरी में कितने होते हैं, 4.2. दी एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जे. हीट की जो एसआई यूनिट होती है हमारी वो क्या होती है, जूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जे. एंड नाउ टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स तापमान. क्या होता है, इफ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड यू कैन फील द डिफरेंसेस. अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को और कोल्ड ऑब्जेक्ट को हाथ से टच करते हो तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा. डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, सपोज आपने 2 ग्लासेस में वॉटर ले रखा है, एक में हॉट वाटर एंड सेकेंड में कोल्ड वाटर. दोनों वाटर को जब आप हैंड से टच करोगे तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आएगा ना. जस्ट लाइक हाउ एवर यू कैन ओनली से दैट वन ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर. लेकिन जब आप दोनों ग्लासेस को हैंड से टच करोगे तो आप केवल इतना ही कह सकते हो कि जो एक ग्लास है वो क्या है, दूसरे ग्लास से हॉट है. मीन्स वन ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से हॉट है. बट यू कैन नॉट से बाय हाउ मच. आप ये तो कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से हॉट है, लेकिन कितना हॉट है क्या आप ये बता सकते हो, ये नहीं कह सकते आप. आपने ये तो बता दिया कि जो 2 ग्लासेस में हमने बॉटल ले रखा था कि एक से दूसरा वाला हॉट है, लेकिन वो कितना हॉट है क्या आप ये बता सकते हो, नहीं बता सकते हो. सो वी देयरफॉर नीड ए मीटर फॉर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इसीलिए हमें क्या जरूरत होती है, किसकी, बॉडी को मीजर करने की, बॉडी की हीटनेस और कोल्डनेस को मीजर करने की हमें जरूरत होती है. सो दिस मीजर ऑफ हीट एनर्जी लेवल इन अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. एंड इसी मीजर को, जो हीट एनर्जी लेवल को जो मीजर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन अ बॉडी टेम्परेचर. उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर मीन्स तापमान. एंड इट इज इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. ये हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी के हॉटनेस, हॉट होने की और गर्म होने की और ठंडे होने की क्या है, डिग्री है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, तापमान. एंड नाउ लुक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को मापना कैसे, दी मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. हम लोग टेम्परेचर को, तापमान को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, एक डिवाइस की हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर. टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकेंड वन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, एंड थर्ड वन इज डिजिटल थर्मोमीटर, एंड फोर्थ वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हमारे 4 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं. कौन कौन से होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड दिस, हीट, टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर.